हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इजी नर्सिंग एकेडमी। माई सेल्फ नरेंद्र महावर, नर्सिंग ऑफिसर एम्स भोपाल। तो देखते हैं आज का हमारा टॉपिक जो स्किल टेस्ट है उससे रिलेटेड है। तो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट जो पूछे जाते हैं स्किल टेस्ट में उनकी हम बात करते हैं, और हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट लिए जाते हैं उसमें से इस वीडियो में कवर किया हुआ है कौन कौन से इमरजेंसी में यूज़ में लिए जाते हैं और कौन कौन से जो इंस्ट्रूमेंट है वो आईसीयू के अंदर यूज में लिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं लैरिंजोस्कोप। ये जो देखा रखी है इमेज, ये है लैरिंजोस्कोप की, और ये इसका यूज़ क्या है। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्जामिन द लैरिंग्स और फॉर इंसर्टिंग ए ट्यूब थ्रू इट। ये जो लैरिंजोस्कोप है वो लैरिंग्स को एग्जामिन करने के लिए यूज़ में लिया जाता है, और जो ईटी ट्यूब जब हम डालते हैं तो उसको डालने के लिए भी हम लैरिंजोस्कोप के थ्रू डालते हैं, तो उसके लिए भी हम ये यूज़ में लिया जाता है। इसमें दो पार्ट होते हैं, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है जिसमें लाइट जलती है, ये वाला, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं ब्लेड। ये अलग अलग डिफरेंट नंबर की ब्लेड जो होती है 4.5 और 7 तक के ब्लेड जो है होती है, तो वो हम यूज़ में लेते हैं। इसमें ये जो होता है, यहाँ पे एक बल्ब होता है, जो बल्ब होता है उससे क्या होता है, लाइट जलती है। और ये जो होता है हैंडल होता है, इसके अंदर जो सेल जो होते हैं अपनी बैटरी जो होती है वो सारी लगी हुई होती है। तो ये जो होता है इसके लिए हम एग्जामिन, जो लैरिंग्स का एग्जामिन है उसके लिए हम यूज़ में लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा ये है सीपैप। सीपैप जो है कंटिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। कंटिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर का मतलब है कि कंटिन्यू पॉजिटिव रखना है हमें एयरवे के प्रेशर को। एयरवे जो होता है उसके प्रेशर को हमेशा कंटिन्यू पॉजिटिव रखना है। ये कौन सी कंडीशन में हम देते हैं, जब पेशेंट रेस्पायरेशन नहीं कर पाता, वेंटिलेटर की सिचुएशन होती है, एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन ऑटोमेटिकली जब नहीं हो पाते, तो उस कंडीशन के अंदर हम सीपैप का यूज़ करते हैं। तो सीपैप मशीन यूज ए हॉर्स एंड मास्क और नोज फीस टू डिलीवर कॉन्स्टेंट एंड स्टेडी एयर प्रेशर। कब यूज़ में लिया जाता है, ये क्या है, एक मशीन होती है और एक मास्क होता है, नोज वाला, नोज फीस वाला मास्क होता है, जो नोज पे लगाते हैं, यहाँ से लगाते हैं, फिर इसको पूरा टाइटली यहाँ पीछे से लेके ये वाले पोर्शन को पूरा टाइटली कवर करके रखते हैं, और उसको एक मशीन से जोड़ देते हैं, तो वो क्या करती है कि प्रेशर को, जो एयर है उसको डिलीवर करती रहती है। तो ये जो रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम होती है उन पेशेंटों के अंदर हम यूज में लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रैश कार्ट। क्रैश कार्ट होता है, और रिससिटेशन कार्ट भी इसको बोलते हैं, या फिर इमरजेंसी ड्रग ट्रॉली जो है वो भी हम इसको बोल सकते हैं। ये कब यूज़ में ली जाती है, इसके अंदर सारी इमरजेंसी ड्रग्स होती है, सारी इमरजेंसी प्रोसीजर के इक्विपमेंट होते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, लैरिंजोस्कोप होता है, सारी एड्रीनलिन, नॉरएड्रीनलिन, डोपामाइन, डोबुटामाइन, कैल्शियम ग्लूकोनेट, पोटेशियम, सारे जो इमरजेंसी ड्रग्स है, एनेस्थेटिक ड्रग्स के अंदर प्रोपोफोल है, मिडाज है, वो सारी ड्रग्स इसके अंदर क्या होती है, अवेलेबल होती है, ताकि हमें बार बार इधर उधर किसी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो इमरजेंसी के अंदर ये यूज़ में लिया जाता है। कैरिंग यूज्ड फॉर कैरिंग मेडिसिन एंड इक्विपमेंट फॉर यूज इन इमरजेंसी रिससिटेशन। जब CPR की कंडीशन होती है या फिर इमरजेंसी कोई सिचुएशन होती है, उस टाइम पर हम इसको यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन्फ्यूज़न पंप। ये इन्फ्यूज़न पंप जो होता है, एक मशीन होती है जिससे क्या होता है, कोई भी फ्लूड है या फिर मेडिकेशन है या फिर न्यूट्रिशन है, उसको इन्फ्यूज़ किया जाता है एक रेट से। जो मतलब इसमें क्या दे रखा है, इन्फ्यूज़न पंप इन्फ्यूज फ्लूड मेडिसिन एंड न्यूट्रेंट इनटू द पेशेंट सर्कुलेटरी सिस्टम। पेशेंट के सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर मेडिसिन को, न्यूट्रिशन को या फ्लूड को इन्फ्यूज़ करने के लिए हम ये यूज़ में लेते हैं। इट इज़ जनरली यूज्ड इंट्रावीनसली, ऑल्दो सबक्यूटेनसली
आर्टीरियल एंड एपिड्यूरल इन्फ्यूजन आर ऑकेशनली यूज्ड। मोस्टली आईवी यूज में लेते हैं, लेकिन कभी कभी हम सबक्यूटेनियस या फिर एपिड्यूरल आर्टीरियल यूज में भी हम इसको ले सकते हैं। ये जो होता है इसमें रेट सेट करनी पड़ती है, 10 ml/h, 5 ml/h, अकॉर्डिंग टू नीड जो है हम सेट करते हैं रेट, जो मिनिमम अमाउंट में दिया जाता है, एक लिमिटेड डोज जो दी जाती है उससे सेट करके हम ये देते हैं। तो ये भी आईसीयू और इमरजेंसी, इन दोनों के अंदर बहुत जो ड्रग्स जो होती है बहुत सारी, जिनको बहुत स्लो रेट पे देना होता है, उनको देने के लिए हम इन्फ्यूजन पंप को यूज़ लेते हैं। पोटेशियम है, जैसे ADR है, NORAD है, ये सभी इन्फ्यूजन बनाने के लिए इसी जो मशीन से दिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिफिब्रिलेटर। ए डिफिब्रिलेटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट प्रोवाइड ए शॉक टू द हार्ट व्हेन देयर इज ए लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमिया प्रेजेंट। ये क्या होता है डिफिब्रिलेटर? डिफिब्रिलेटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जो शॉक प्रोवाइड करती है, जो शॉक देने के काम आती है। शॉक किसको? हार्ट को। कब? लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमिया पेशेंट के अंदर। जब कोई पेशेंट है, एरिथमिया है या फिर उसको लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन की है, उस टाइम पे उसके हार्ट को इलेक्ट्रिकल शॉक देने के लिए हम ये जो डिवाइस है वो यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ECG जिसको हम बोलते हैं, या फिर EKG भी मशीन भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ये तीनों अलग अलग चीज़ है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी तो क्या है? एक प्रोसीजर है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है? एक मशीन है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? एक रिजल्ट है। ECG की जो स्लिप होती है वो तो क्या है? ग्राम है। ये जो मशीन जो होती है वो है ग्राफ है, और जो प्रोसीजर पूरा होता है वो होता है कार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो हम देखते हैं इसमें क्या है। यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम पीरियड के अंदर हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या लेते हैं? ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो मशीन है वो यूज में लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेड साइड मोनिटर। साहब इसमें दिखा रखा है बेड साइड मोनिटर का मतलब है बेड की साइड में होगा, मॉनिटरिंग करेगा पेशेंट के वाइटल्स की। ए बेड साइड मोनिटर इज यूज्ड टू रिकॉर्ड, डिस्ट्रीब्यूट एंड डिस्प्ले कॉम्बिनेशन ऑफ बायोमेट्रिक वैल्यू सच एज हार्ट रेट, SpO2, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर एंड मोर। ये क्या होता है कि बेड साइड मोनिटर है जो क्या करता है, रिकॉर्ड करता है सारी जो अपने वाइटल्स होते हैं, BP, पल्स, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर और ECG जो है इसमें होती है, SpO2 है, वो सारी चीज़ें इसमें रिकॉर्ड होती है। वो सब क्या होता है? एक बायोमेट्रिक जो है कॉम्बिनेशन है। जैसे पल्स ऑक्सीमीटर हम लगा देते हैं तो उसमें हार्ट रेट भी आ जाती है, फिंगर में लगाते हैं तो पल्स रेट है वो, उसके बाद SpO2 भी आ जाता है, फिर BP जो कफ है वो भी इससे अटैच होता है। तो BP कफ लगाने के बाद इसको बटन जो होता है NIVP उसको प्रेस करना होता है, उससे क्या होता है इसका BP भी आ जाता है। ECG जो होता है, ECG की जो लीड्स जो होती है उनको लगाते हैं तो ECG भी इसमें शो हो जाती है। मतलब कि ये वाइटल्स जो इम्पोर्टेंट वैल्यू जो होती है वो सारी चीज़ें इसमें देख सकते हैं, एक ही मोनिटर में सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्टीरियल लाइन। ये आर्टीरियल लाइन क्या है? इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज इन इंटेंसिव केयर मेडिसिन एंड एनेस्थीसिया टू मोनिटर ब्लड प्रेशर डायरेक्टली एंड इन रियल टाइम। जो आर्टीरियल लाइन होती है वो मोस्ट कॉमनली कहाँ यूज ली जाती है? ICU के अंदर या फिर कोई एनेस्थीसिया यूनिट है वहाँ पर ये चीज़ें हम यूज़ में लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डायरेक्टली और रियल टाइम पर एज प्रजेंट क्या चल रहा है उसकी बॉडी के अंदर वहाँ पर, और डायरेक्ट उस चीज़ को हम मॉनिटर कर सकते हैं रादर देन इंटरमिटेंट या इनडायरेक्ट मेजरमेंट के। इनडायरेक्ट मेजरमेंट के या फिर इंटरमिटेंट बार बार करना है उस चीज़ को छोड़ के हम एट प्रेजेंट में क्या चल रहा है उसकी मशीन मतलब मॉनिटर लगा देते हैं वहाँ पे आर्टीरियल लाइन के अंदर, और कैसे इसका BP है, पल्स क्या है, वो सारी चीज़ें
एट प्रेजेंट मतलब तुरंत क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें मॉनिटर होती रहती है, कंटिन्यूसली मॉनिटर होती रहती है। इसके लिए बार बार हटाने की और लगाने की कोई नीड नहीं होती है। और इससे हम क्या कर सकते हैं, सैंपल भी ले सकते हैं। एवीजी एनालिसिस जब करते हैं तो उससे आर्टरी से सैंपल लेते हैं, और मोस्ट कॉमनली जो लेते हैं वो होती है रेडियल आर्टरी, ये वाली थंब साइड की जो आर्टरी होती है वो यहाँ से लेते हैं। तो वो भी क्या है, आर्टेरियल लाइन है, वहाँ से हम एबीजी सैंपल लेते हैं, आर्टरी से लेते हैं, तो उसके लिए भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूरिनरी कैथेटर। यूरिनरी कैथेटर क्या होता है, यूरिनरी जो कैथेटर होता है वो यूरिन को ड्रेन करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। कहाँ से, ब्लेडर से। जो हमारा जब ब्लेडर या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिससे यूरिन पास नहीं हो रहा, यूरिन का रिटेंशन हो रहा है, जैसे कि प्रोस्टेट बढ़ चुकी है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन आ चुका है या कोई भी किडनी स्टोन है या फिर यूरिथ्रा स्टोन है, तो वो सारी चीज़ों के अंदर क्या होता है कि रिटेंशन हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। उन सभी चीज़ों को ओपन करने के लिए और यूरिन को पास करने के लिए क्या करते हैं, यूरिनरी कैथेटर हम यूज़ करते हैं, यूरिन ड्रेनेज के लिए यूज़ में लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ग्लूकोमीटर। तो ग्लूकोमीटर क्या होता है, ग्लूकोज को मॉनिटर करने के एक मशीन जो होती है, जिसमें ब्लड में शुगर का लेवल कितना है वो सब पता करने के लिए हम यूज़ में लेते हैं। यहाँ पे ये एक मशीन है, और ये तो है एक मशीन जो ग्लूकोमीटर बोलते हैं, और ये है एक स्ट्रिप जो ग्लूको स्ट्रिप होती है। ये स्ट्रिप को जब हम पेशेंट का बीपी, जब हम पेशेंट का शुगर लेने जाते हैं तो ये स्ट्रिप को इसके अंदर लगाते हैं, तो यहाँ पे एक ब्लड की ड्रॉप का साइन आता है। तो जैसे ही ब्लड की ड्रॉप का साइन आता है तो हम एक प्रिक करके उसके अंदर स्ट्रिप को टच करते हैं, तो वहाँ से थोड़ा ब्लड लेते हैं, तो वहाँ पे मिनिमम अमाउंट ऑफ ब्लड के अंदर भी हम RBS कर सकते हैं। तो देखते हैं, फॉर डिटरमाइन द अप्रॉक्सीमेट कंसनट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसनट्रेशन कितनी है वो सारी चीज़ें पता करने के लिए हम ग्लूकोमीटर यूज़ लेते हैं। इट इज़ आल्सो बी ए स्ट्रिप ऑफ ग्लूकोज पेपर डिप्ड इनटू ए सब्सटेंस एंड मेजर टू द ग्लूकोज चार्ट। इसके अलावा भी क्या होता है कि ग्लूकोज स्ट्रिप होती है उसको सब्सटेंस में ड्रिप करते हैं और ग्लूकोज चार्ट से हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और इंसेफेलो का मतलब है ब्रेन। जो अपना सिफेलस है, ब्रेन है, वो है, उसकी क्या करना है, ग्राफी करनी है, रिकॉर्डिंग करनी है। तो EEG इसको क्या बोल सकते हैं, EEG भी हम बोल सकते हैं, यूज़ फॉर मॉनिटरिंग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उनको मॉनिटर करने के लिए हम ये सारी चीज़ें यूज लेते हैं। इट इज़ टिपिकली नॉन इन्वेसिव विथ द इलेक्ट्रोड प्लेस अलोंग द स्कल्प। ये क्या होता है कि नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है, और जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनको कहाँ पे हम प्लेस करते हैं, स्कल्प जो होता है वहाँ पे हम इनको प्लेस करते हैं। ऑल्दो इन्वेसिव इलेक्ट्रोड्स आर समटाइम यूज सच एज इन इलेक्ट्रोकॉर्टिकोग्राफी। समटाइम जो होता है इन्वेसिव जो इलेक्ट्रोड है वो भी यूज़ करने पड़ सकते हैं हमें, कब, इलेक्ट्रोकॉर्टिकोग्राफी के लिए।